अस्सलामुअलैकुम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो टाइम हो रहा है अभी 8 बज रहे हैं और हमारा चाय नाश्ता करके हो गया था। तो अभी घर का मतलब क्या हालत है मैं आपको दिखाती हूँ, घर की हालत। और मुझे सारा ये काम करना है तो आप देख सकते हैं मेरे घर की जो हालत हो रही है वो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि कैसी हो रही है मेरे घर की हालत, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा घर कैसा रहता है। और सारा दिन में बस यही काम, सारा झाड़ू पोछा वगैरह, इधर से मतलब बच्चे हैं तो बच्चे भी बहुत मतलब गंदगी वगैरह करते हैं, दिन भर तो मैं इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ। और फ्रेंड्स फिर भी मैं मतलब अच्छे से वीडियो और रोज़ ब्लॉग डाल रही हूँ और बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और बच्चे हैं मम्मी के पास, मम्मी ऊपर धूप में लेके बैठे हैं बच्चों को। तो आप देखिए मेरे घर की हालत क्या हो रही है अभी जब सुबह के टाइम पे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बिस्तर वगैरह कैसे मतलब रखे हैं, और ऐसा बिखरा रहता है मेरा बेड यहाँ पे, सब जो है बैग वगैरह ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स मम्मी का रूम देखो कैसे बिखरा पड़ा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बर्तन हटा लिए थे, लगा लिए थे, और यहाँ पे जो हमने नाश्ता बनाया था तो उसका आटा जो गिरा था वो अभी मतलब किचन की सबकी सफाई करनी है और दिन का खाना भी हमें बनाना है। और फ्रेंड्स ये देखिए बर्तन यहाँ पे साफ करने के लिए रख दिए हैं मैंने, तो मैं करती हूँ साफ सफाई। और फ्रेंड्स देखिएगा का सब ये इधर उधर हो रहा है सारा। यहाँ पे आ गया था पानी तो मैंने लगा दी थी मोटर, और अब कर लूँगी मैं बर्तन साफ अपने। ओके
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए धुल गए थे मेरे बर्तन, और अभी इनको मैंने रख दिया है सूखने के लिए, और यहाँ पे सिंक की भी हो गई है सफाई। तो अब मैं बनाऊंगी खाना, फिर से खाने के बर्तन हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पीस लेंगे मसाला मिक्सर में, और देखिए गाइस मैंने पीस लिया था मसाला। तो मसाले में लिया था सिर्फ लहसुन और अदरक, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो मैंने गैस ऑन करके रख दी थी इसके ऊपर बर्तन, और फिर बर्तन में मैंने ले डाल दिया था तेल। वो अपने हिसाब से ले सकते हैं आप तेल, जितना आप खाते हो, ज़्यादा ऑयली खाते हो तो ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हो। और फ्रेंड्स इसमें लगा लूँगी मैं तड़का, और तड़का लगाएंगे हम दो तेज पत्ते लेंगे, और जीरा 8 से 10, काली मिर्च, और एक से दो लौंग लेंगे, इसका हम लगा लेंगे तड़का, और इसको हिला लेंगे। फिर ऐड करेंगे हम इसमें प्याज, और फिर प्याज ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, इसको चलाना पड़ता है, थोड़ा हिलाना पड़ता है। ये हो गया हमारे प्याज अच्छे से मिक्स। और फिर फ्रेंड इस प्याज के अंदर ही हम ऐड कर लेंगे नमक, क्योंकि नमक ऐड करने से क्या होता है कि मतलब प्याज जो है वो जल्दी से ब्राउन होते हैं, और इससे हमारे सिलेंडर की थोड़ी बहुत, वैसे तो बचत होती नहीं है, थोड़ी बहुत लेडीज़ करती है ना जो अपने बचत करने के लिए कुछ कुछ जुगाड़ लगाती रहती है। तो मैं सब्ज़ी बनाते वक्त वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे सब्ज़ी बनाने, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं कर लूँगी प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें टमाटर ऐड करने के बाद थोड़े से इसको ढककर पका लेंगे, तब तक कि टमाटर अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन नहीं निकले, तब तक इसको पकाएंगे। और इसका कच्चापन निकल चुका था और अच्छे से ये पक चुका था, तो मैंने ऐड कर दिए थे इसमें हरा चना, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी मसाले में। तो फ्रेंड्स को हिलाना है अच्छे से, और फिर अच्छे से चम्मच से हिलाने के बाद इसमें ऐड कर लूँगी मैं आलू, क्योंकि आलू इसमें ऐड नहीं कर रही थी फ्रेंड्स मैं, लेकिन मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, जैद को बहुत पसंद है आलू सब्जी में। तो सिर्फ हरी सब्जी कहते हैं ना बच्चों को पसंद नहीं, तो हरा हरा देखता तो वो खाता नहीं, और फिर इसमें कर लिए थे मैंने आलू ऐड। फिर इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, तो वो भी आप आपके हिसाब से, मतलब जैसे सब्जी अपने हिसाब से, जैसे इनों में भी मतलब एक क्वालिटी आती है, तो उस हिसाब से ऐड करेंगे। फिर करेंगे धनिया पाउडर ऐड, और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद करेंगे हम इसमें मिर्ची, और फिर मिर्च पाउडर ऐड कर लिया था मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला कि इनों में भी क्वालिटी आती है, तो जैसे आपकी तीखी मिर्ची है तो उसके हिसाब से कम डालिए, जैसे आपको पसंद है तो तीखी खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। और हल्दी में भी होता है कि इसका कलर के हिसाब से, और मैं तो जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ धनिया तो उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि पीसा हुआ जो धनिया है बहुत, मतलब उससे स्वाद सब्ज़ी का बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो फ्रेंड्स इसको मैंने पानी ऐड करके और रख दिया था, ढक दिया था, और फिर देख लीजिए ये अभी पक रहा है। तो आलू इस पानी से क्या, आलू और चने हैं थोड़े से गल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको फिर से मैंने कर दूँगी ढक दूंगी और ढककर पका लूँगी। तो फ्रेंड्स फिर से देखिए अच्छे से भुनाई भी हो गई इसकी, तो देखिए कैसे इसमें से मतलब तेल, इसने सब्जी का तेल छोड़ दिया था और तेल अलग अलग से छट गया, देखिए गाइस। और फिर देखिए आलू भी बहुत अच्छे से इसमें गल गए, तो आलू भी गल गए फ्रेंड्स, और हमारी सब्जी बन के रेडी तैयार। तो खाने के लिए फ्रेंड्स, और इसमें धनिया भी ऐड करना है, धनिया ऐड करते वक्त मैं क्लीव ऐड करना भूल गई वो। तो फ्रेंड्स आपको धनिया हो तो ठीक है, वरना आप मतलब आपके हिसाब से जिसको पसंद हो, मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पे हो गया था मेरा खाना वगैरह बनकर तैयार, और मेरे घर का भी सारी साफ सफाई कर ली थी मैंने, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं ट्राई करके बताती हूँ कैसा बना है खाना, और सब्जी कैसी बनी है वो बताती हूँ मैं आपको।
में बहुत टेस्टी बनी है राइस सब्जी, तो आप एक बार ट्राई करके देखना, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, आगे से मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूंगी, तो जितने भी व्यूवर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप एक बार ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में बताना ट्राई करने के बाद कि कैसी बनी है सब्जी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।